दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों पता ही है आपको कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 9 नवंबर को ये चार्ज ले लिया है। वो भी नया कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और बताया जाता है कि जो इनका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, जिनके परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे हैं और जो यानी कि काफ़ी उदार दिल के हैं और खास करके जो डिफेंस मामले होते हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो पहले ही दिन जब आप अपने सीट पर बैठे थे उसी दिन, तो वहाँ पर एक सफाई कर्मी का जो केस लटका हुआ था तो उनको उन्होंने सॉल्व किया और जो उसके अपोजिट में थी पार्टी उसको काफ़ी फटकार उन्होंने सुनाई है। तो दोस्तों वही हमारे पता ही आपको कि सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन अटका हुआ है काफ़ी दिन से, लगातार इसकी डेटें बढ़ती जा रही हैं, कभी आगे की डेट मिल जाती है लेकिन अभी तक भी इसका यानी कि कोई हल निकल के सामने नहीं आया है। तो वहीं बात करें MSP मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि जो हमारा ORS की है ये 5200 रुपया JCOs तक, उसके बाद जो MNS है उनकी 10800 रखी गई है, तो वहीं ऑफिसर की रखी हुई है 15500 रुपये, यानी जबकि इसका नाम ही मिलिट्री सर्विस पे है, यानी कि वो भी मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं और जो ORS रैंक का है वो GD सोल्जर है या क्लर्क है या ट्रेडमैन है, वो भी सर्विस कर रहे हैं। जबकि जब सहूलियत उनको ज़्यादा मिलती है, सहूलियत जवान को कम मिलती है, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंट रखा हुआ है, सबसे बड़ा डिफरेंट है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सहायक प्रथा, सहायक प्रथा के ऊपर भी काफ़ी केस डले हुए हैं और खास करके हमारे जो रविंदर सर हैं उन्होंने कुछ केस उसमें डाला हुआ है। तो आए दिन हमारे जवानों का आर्मी के अंदर शोषण होता है, कभी उनके घरों में जा करके उनका जो घरेलू है काम वो करना पड़ता है, उनके कुत्ते घुमाने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ काम करने पड़ते हैं जो कि एक सैनिक को शोभा नहीं देता है, जो कि एक सैनिक के मान सम्मान में एक बहुत ही यानी घृणात्मक काम उसको हम बोल सकते हैं, घृणात्मक काम होता है आर्मी के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और दोस्तों उसके बाद भी जो और भी हमारे डिफेंस के केसेज होते हैं, चाहे वो किसी पर्सनल किसी का हो या वो किसी यानी कि एक समुदाय का केस हो, उनके ऊपर भी विचार अधीन होंगे। जैसे हमारी अपनी डेट आएगी तो यानी कि 100% इन सभी का रिजल्ट पॉजिटिव ही निकल के आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरे पूरे यानी कि चांस इनके बने हुए हैं, ऐसा मानना है, ठीक है। तो खास करके MSP के ऊपर अभी नेक्स्ट इसकी सुनवाई होगी, ORUP की जब नेक्स्ट सुनवाई होगी इनके बारे में अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आने वाला है, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। और ऐसा ही जो जितने भी जो हमारे जिसके जो तर्क विशेषज्ञ हैं उनसे भी पता चल रहा है कि हाँ ऐसा ही काम होने का ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।